हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब सेफ हैं और आपकी हेल्थ अच्छी है इस वक्त इस लॉकडाउन के पीरियड में। सो टुडे इज मदर्स डे एंड आई विश ऑल द मदर्स आउट देयर अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ रियली स्पेशल वीडियो क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ एंड गोइंग टू कॉल वीडियो कॉल माई मॉम एंड बिकॉज शी लिव्स इन बिहार और वहाँ पे वो रहती हैं गाँव में, तो कनेक्टिविटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैं कल ये वीडियो शूट करना चाह रही थी बट वो हो नहीं पाया, तो मैं आज ट्राई कर रही हूँ सुबह सुबह उठ के कि लेट मी जस्ट डू अ स्मॉल Q&A वीडियो विथ हर। और आज ही ये वीडियो आपसे शेयर करूंगी मैं होपफुली, बिकॉज अभी 8 बज रहे हैं सुबह के एंड मैंने मम्मी को बिठा रखा है कि मम्मी प्लीज गेट रेडी एंड आई हैव टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस। सो या लेट्स कॉल हर एंड सी कि क्या उन्हें याद है जो कुछ बचपन से रिलेटेड। मैं उनसे क्वेश्चंस पूछूंगी, इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग एंड कुछ आपको ऐसे पार्ट्स मेरे पता चलेंगे जो आपको अभी तक नहीं पता है, तो शी इज गोइंग टू शेयर इट विथ यू ऑल्सो। जो चीज़ मुझे भी नहीं पता है वो भी मुझे पता चलेंगी। सो लेट्स सी, लेट मी कॉल हर। हैप्पी मदर्स डे मम्मी, क्या थैंक कर रही थी आप? यू बस सुबह का काम। अच्छा, और कहाँ, अपने बगीचे में बैठे हैं? हाँ जी, बगीचे में बैठे हैं, भी देख रहे हैं कि क्या क्या चीज तोड़ने लायक हुआ है। अभी अच्छा, अभी आपके बगीचे में क्या क्या हुआ है? भिंडी तैयार हो गया है, दिखाई दे रहा है? हाँ भिंडी हो दिखाइए गया है अभी। दिखाइए भिंडी दिखाइए जरा। ये रहा। अच्छा हाँ, करेला हो गया है। करेला। अच्छा, काफी हो गया है, बड़ा बड़ा तो। अच्छा बस इन्हीं को आज तोड़ेंगे। और ये मेरा बरबट्टी है। अच्छा काफी सारा हो गया है फिर तो। अच्छा हो गया है अभी। ये टमाटर हो गया है, दिख अच्छा टमाटर, गया? हाँ, दिख रहा है टमाटर। ये मिर्चा हो गया है। अच्छा बस आज इन्हीं को हलाल करना है। ठीक है, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और हमको ये आपको वो आंसर करना होगा, फिर हम देखेंगे कि आपको कितना याद है। पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे कि जब हम हुए थे, ठीक है, जब हम पैदा हुए थे तो आप कितने साल की थी? 22 साल के। 22 साल की थी। अच्छा, और सबसे पहली ऐसी चीज जो आपको हमारी याद हो, जो हमारी बदमाशी जो सबसे ज्यादा सबसे पहली बदमाशी तो तुम्हारी बदमाशी, क्या कहें, वो हमारे जीवन का ऐसी घटना है जो हम कभी नहीं भूलेंगे। 10 महीने की थी तुम अच्छा और उस समय चलना चलना सीख गई थी और हमारा उस समय एग्जाम था। हम पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते सो गए थे और तुम हमारे बगल में ही बैठ के खेल रही थी और खेलते खेलते पता नहीं कैसे तुम एक छिपकली का बच्चा मरा हुआ पकड़ ली थी। और पकड़ के हम है कि मम्मी मम्मा मम्मा उस समय कहती थी मम्मा ये। तो मैं उस समय जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि हाथ में छिपकली, उस समय तो जैसे लगा कि बस क्या हो गया है। मैं तुरंत उनको उठाई, उसके बाद रोते हुए हॉस्पिटल, फिर डॉक्टर वहां पे सब देखा, फिर चेक वगैरह किया, कहा कि नहीं सब चीज नॉर्मल है। तब तो जाके जान में जान आया। फिर नाना आए, नाना फिर गुस्सा हुए कि एक छोटे से बच्चे को नहीं संभाल सकते हैं ये लोग, इतने घर में सारे लोग हैं। अच्छा तो वो बच्चा कभी नहीं भूलती है। ओके, दूसरा अच्छा आप ये बताइए कि सबसे पहला स्टेज परफॉर्मेंस स्कूल में कब था मेरा? जब 3.5 साल की थी, मैरी हैड ए लिटिल लैम्प पे डांस की थी। मैरी हैड ए लिटिल अच्छा लैम्ब। हाँ अच्छा उसके बाद फिर 4 साल की एज में आकाशवाणी में तुम्हारा नाना सब संस्कृत श्लोक सिखाते थे। तो जाती थी बाल बच्चों का जो बाल संसद होता है उसमें अपना 3-4 तुम्हारा प्रोग्राम हुआ था अच्छा एक एक महीने पे।
चू चू कहती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, ये कविता मुझे अभी तक याद है। अच्छा भाई मिली थी तुम्हारी इस कविता पे, क्योंकि उस समय तुम्हारा 1-4 साल का मात्र था और इतने मतलब कि तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन इतना साफ रहता था और बच्चों की अपेक्षा कि बहुत लोग खुश रहते थे। अच्छा अभी अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम बहुत डरपोक बन चुके हैं इतना कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है। कोई ऐसी अच्छी हैबिट जो आपको ऐसी लगती है कि मेरे अंदर है, ऐसी कोई है क्या, कोई हैबिट, गुड हैबिट? गुड हैबिट तो हमको यही सबसे था कि तुम तीनों भाई बहनों में सबसे अच्छा कि कभी तुमको हमको पढ़ने के लिए नहीं कहना पड़ा, ये हमारी मतलब तुम्हारी सबसे अच्छी हैबिट थी। अच्छा। और भाई बहनों को कहना पड़ता था पढ़ने के लिए, जैसे बाबू का, बाबू को तो पढ़ाई से 36 का रिश्ता आज भी है, पहले भी था लेकिन ये तुम्हारे में कभी नहीं थी। और कभी कहा ये चीज हमको बहुत मतलब आज तक लगता है कि मेरी एक बच्ची जो थी वो पढ़ने बहुत अच्छी थी, जिसको कभी मैंने मतलब कि कहना मुझे नहीं लगा कि कहना चाहिए कि हाँ पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा और कोई ऐसी बैड हैबिट जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है? काम चोर अच्छा बैठी रहेगी और उसके बाद बोलेगी बाबू यहाँ आओ, बाबू आएंगे और क्या है स्विच ऑफ कर दो हाँ थोड़ा लेजी तो है हम अच्छा और कभी ऐसा हुआ कि आप हमको मार्केट लेके गई हैं और हम कभी खो गए हो मार्केट में? ऐसा तो हाँ मालदा में हुआ था, गदौलिया में भी हुआ था, मम्मी बनारस में गदौलिया मार्केट में जो बहुत छोटे से थे, अब हम उधर ऐसे हमारी तो आदत थी ऊपर ऐसे सब दुकान की तरफ देखते रहने की कि कहाँ क्या आया है, और हमारा हाथ छूट गया था। गदौलिया में तो कितनी भीड़ रहती थी। ऐसा हुआ था और मालदा में भी तो हुआ था, उसमें तो तुम थोड़ी बड़ी भी हो गई थी और बिना बताए अपना मालदा शहर देखने घूमने निकल गई थी। अच्छा। उसके बाद फिर रास्ता मालूम था तो फिर ये धीरेन्द्र अंकल जो थे वो जाके तुमको साइकिल से खोज करके लेके आए थे। अच्छा बचपन में हमको सबसे ज्यादा क्या पसंद था जो अभी हमको नहीं पसंद है? सत्तू बहुत प्रेम से खाती थी। हाँ। जो अपने खाना पसंद करती हो। हाँ सही बात है। अभी बचपन में हमको जो जो चीज आप खिलाती थी आज हम नहीं खाते हैं क्योंकि हमको वो अब मन उग गया है। ब्रेड जैसे जब भी बीमार पड़ते थे दूध ब्रेड खिला देती थी और बोतल से दूध पीती थी। हाँ तो वो दूध भी नहीं पसंद है अब। हाँ। है ना, सत्तू भी नहीं पसंद है और नहीं तो सत्तू के लिए मार होता था, कहीं से सत्तू की व्यवस्था करनी पड़ती थी, इतना सत्तू तुमको पसंद था, सत्तू चीनी हाँ अच्छा हमारी कोई एक बदमाशी जो आपको मतलब ऐसे स्कूल फ्रेंड्स में या फिर ऐसे जो छोटे बच्चे जो होते हैं मोहल्ले में खेलने जाते हैं, जो जब हम लोग बचपन में खेलने जाते थे, तो कोई ऐसी बदमाशी, कोई कंप्लेन जो आंटी वगैरह लेके आई कभी? जो नहीं वो कंप्लेन तो हमको आज तक याद है, जो मालदा में अरे अहमदाबाद में थी और जो तुम एक लड़की का ईटे से सिर फोड़ दी थी, याद है ना? अच्छा लेकर के मेरे पास कंप्लेन लेने आई थी कि इसी ईटे से आपके बच्चे ने मेरे बच्चे का, अरे तो हम नहीं मारे थे बब्बे उसको लेकिन आया था ना अरे यार तो अब इतने छोटे बच्चे को कोई परेशान करेगा तो अब क्या करेगा, अब लग गया उसको चोट, अब गिर गया तो अब क्या करेगा लेकिन हाँ। और स्कूल की कोई बदमाशी उसके उसके एवज में हम लोग को उसकी मरहम पट्टी की पूरा मतलब की भरपाई करना पड़ा था है? तो हमारे हाथ से गिर गया होगा बेचारा, तो हम भी कितने बड़े थे, हम भी तो छोटे ही थे। हाँ सेकंड में पढ़ती थी उस समय। बताइए और स्कूल की कोई बदमाशी?
बदमाशी तो तुम्हारी अनगिनत है, कितनी बदमाशियां गिनाया जाए। उस रिक्शे में तुम अपना, जहाँ से तुमने नर्सरी कंप्लीट किया, उस रिक्शे में बच्चे तुम्हारे नाम से इतना खौफ खाते थे कि अपने घर में जाते थे कि महिमा महिमा नाम की लड़की है जो बहुत मारती है। उस रिक्शे में बैठना नहीं चाहते थे, और वो रिक्शा वाला तुमको इतना प्यार करता था कि वो जब नुक्कड़ पे रुकता था तो वहां से गोद में तुमको उठा के लाता था और चीनू का हाथ पकड़ती है, तो चीनू की मम्मी कहती थी कि देखो उसको गोद में उठा के लाता है। अच्छा, बचपन में हम क्या बनना चाहते थे? बचपन में से तुम्हारी डॉक्टर बनने की इच्छा थी। अगर हम लड़का होते तो हमारा नाम आप क्या रखती? लड़का तो हम पहले कल्पना ही नहीं किए थे, मुझे मेरे मतलब शुरू से ही इच्छा थी कि मुझे भी लड़की ही होनी चाहिए पहले, इसलिए हमने कभी लड़के का नाम सोचा ही नहीं। अच्छा, अब क्योंकि अगले महीने हम 30 साल के होने वाले हैं, तो आप क्या एडवाइस देना चाहती है हमको? ऐसा मत तो मुझे नहीं अरे फिर भी क्या एक आपको लगता है कि मतलब एक 30 साल की लड़की में होना चाहिए? 30 साल की लड़की का एक सारा पूरा परिवार होना चाहिए जो कि अभी नहीं है, इसी की कमी मुझे महसूस होती है। उसके अलावा भी और भी बहुत चीज होती है मम्मी, और दूसरा सोचिए। दूसरा यही कि भगवान करे तुम दिन पर दिन तरक्की करो और सफलता की सीढ़ियां चढ़ो, यही तो रात दिन मनाते हैं जो कि तुम्हारे एज के हिसाब से अभी बहुत कम है। अब क्या करे मम्मी, अब जल्दी बुढ़ापा आ गया। अच्छा, आपको हमारा नाम कैसे आप जैसे चूज की, लाइक महिमा कैसे आपको लगा कि नहीं हमारे बच्चे का नाम महिमा होना चाहिए? महिमा नाम रखने का भी एक रीजन है, बनारस में जिस दिन तुम पैदा हुई थी उसी दिन नाना के का जो बनारस वाला जो घर है उस जमीन की रजिस्ट्री हुई थी, तो जिस जमीन की रजिस्ट्री हुई थी वो इसके थ्रू हुआ था, वो वकील नाना को बहुत मतलब की हेल्प किए थे, तो नाना ने उनके नाम, उनका नाम था महिमा दत्त चौधरी, तो उनके नाम पे नाना ने तुम्हारा नाम रखा कि ये नहीं महिमा इनका नाम रखेंगे, ये लड़की बहुत ही मतलब की जैसे वो बहुत नेक इंसान है, ये भी बहुत नेक इंसान बनेगी, ऐसा उनके मन में ऐसा मतलब विचार आया और इसलिए उन्होंने नाम, नाना ने महिमा तुम्हारा नाम रखा कि बहुत लकी है हमारे घर के लिए, हमारे लिए लड़की ये, इतने दिनों से जिस चीज के लिए हम तरसते थे इसके पैदा होते ही इतना बड़ा हमको मतलब कामयाबी मिल गया, नाना को ये लगता था कि इसके पैर में बहुत लक्षण है, इसकी बहुत भाग्यशाली है हमारे लिए, मेरे घर में आई आते ही मेरे नाम की जमीन मतलब रजिस्ट्री उस दिन हो गया था, इसीलिए नाना बहुत खुश थे। बचपन में हम कौन सा टीवी सीरियल या कोई एक कार्टून ज्यादा देखते थे? उस समय एक सीरियल आया करता था शांति, शांति नाम का सीरियल था जो तुमको याद भी नहीं था, नानी के साथ बैठते थे। मंदिरा, मंदिरा बेदी थी ना, हाँ नानी बैठ के देखती रहती थी। वो सीरियल तुमको बहुत पसंद था, नानी के साथ आने के साल बैठ करके देखा करती थी। कौन सी ऐसी चीज आपको लगती है कि एज अ मदर बहुत डिफिकल्ट है, मतलब शुरू शुरू में आपको बहुत परेशानी हुई जब आपको मतलब आपके बच्चे हुए और आपको लगा कि ये चीज करना तो बहुत मुश्किल है, कौन सी ऐसी चीज थी वो? बच्चों का तो हर चीज ही मुश्किल होता है, कि पहली बात की उनको मतलब किस लिए वो रो रहे हैं, क्या उनको तकलीफ है क्योंकि वो बोल तो पाते नहीं है, फिर उनको ये समझना कि उनको क्या परेशानी है, कैसे क्या करना है, तो ये तो हमारे साथ अच्छा प्लस पॉइंट था कि नाना नानी थे, तो जिस चीज के लिए परेशानी होती थी, पेट में दर्द है तो हमको नहीं समझ में आता था तो नानी बता देती थी कि इसके पेट में दर्द है, तो फिर वो जो नानी माँ के नुस्खे होते थे वो अपना करती थी, अजवाइन का गर्म करके पोटली बना करके नाभी के पास सेकने के लिए बताती थी, ये सब छोटी छोटी चीजें जो कि हमारे समझ के परे था,
और एक हमारे ऊपर एक गार्जियन था चूंकि, इसलिए थोड़ा सा इस परेशानी को हम आसानी से झेल सकें, वरना अकेले रहने में तो आदमी नहीं कर सकता है। तो बच्चों को पालना बड़ी समस्या है, समस्या क्या मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत कठिन काम है, वो हर कोई आसानी से नहीं कर सकता है, अकेले रह के तो कभी नहीं कर सकता है। जैसे आप, हम जब हुए थे तब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, बीएड कर रही थी आप, है ना? तो नहीं, फिर मैं कर रहे थे। हाँ, एमए कर रही थी, तो फिर आप हमारे साथ साथ अपनी जो स्टडीज थी वो कैसे मतलब कंप्लीट कर पाई? कितना आपको परेशानी हुआ, क्योंकि एक बच्चा भी था आपका? तो यही प्लस पॉइंट था मेरे साथ था कि नाना नानी साथ में थे, तो जब मैं कॉलेज जाती थी तो नानी तुमको देखा करती थी। अच्छा, फिर उसके बाद फिर नाना भी ऑफिस से आ जाया करते थे, फिर नाना भी थोड़ा हेल्प करते थे, फिर बबलू मामा थे, बबलू मामा भी हेल्प करते थे। उतनी ज्यादा परेशानी हमको महसूस नहीं हुई, सबका सहयोग था साथ में, कहने का मतलब ये। और घर में जो सभी है तो कोई भी समस्या बड़ी समस्या नहीं लगती है, हर काम आसान हो जाता है। और कोई ऐसा आप एडवाइस हमको देना चाहती हैं मम्मी? बस अच्छे से रहो, अपने नेचर को, जो तुम्हारा बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो उसको थोड़ा सा अपने को अपने में चेंज लाओ, परिवर्तन लाओ। पहले किसी भी बात को गुस्सा करने के पहले सोचो कि आखिर क्या है इसका रीजन, हम क्यों गुस्सा हो रहे हैं। ठंडे दिमाग से पहले सोचना चाहिए, उसके बाद ही मुंह से कुछ किसी को भी निकालो, चाहे वो अपने से बड़ा हो चाहे छोटा हो। तुरंत एकदम एक्साइटेड होकर के किसी की भी बात का जवाब नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगला कुछ बात बोल रहा है तो हम उसको शांति से पहले सुने, सोचें, उसके बाद ही कुछ बोले। और ये हमेशा ध्यान रखो कि मुंह से निकला हुआ शब्द तो वापस नहीं आता है, इसलिए हमेशा सोच समझ कर ही किसी को भी हम कुछ भी बोले। इसलिए ये चीज तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो फिर तुम कम कामयाबी तुम्हारे हमेशा कदम चुमेगी। इसलिए ये चीज तुमको तुम्हारे अंदर परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। ठीक, ओके मम्मी, ठीक है, फिर अभी अभी हम रखते हैं मम्मी, ठीक है? आप भी धूप में बैठी हुई हैं इतनी देर से, आप अंदर लाइट वाइट है ना अभी घर में? अच्छा, तो चलिए फिर अंदर चलिए, फिर उसके बाद फिर हम रख देंगे फोन, ठीक है? खाना वाना बना ली? नहीं भाई, अभी तो ना क्या था सर, पोछा ओछा लगाए, उसके बाद फिर अब ये सफाई करेंगे, पानी चला गया है, मोटर चालू करना पड़ेगा, फिर उसके अच्छा बाद फिर नहाए वहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे अच्छा बस। ठीक है, फिर मम्मी रखते हैं, आप काम कर लीजिए, ठीक है? ठीक ठीक बाय बाय बाय। बाय बाय। ठीक, सो गाइस, मैंने आपको अपनी मॉम से मिलवाया, और दिस वाज ऑल लाइक हार्ट टू हार्ट टॉक, जो कि आपको बहुत सी चीजें मेरे बारे में नहीं पता है, जैसे कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, और ऐसा नहीं है किसी की किसी भी बात पे आ जाता है, बट हाँ, मुझे उन लोगों की बात का बुरा जल्दी लग जाता है जिनसे मतलब मुझे कुछ उम्मीद रहती है, एक्सपेक्टेशन, दोज हु आर लाइक रियली क्लोज टू मी, उनकी बातों का मुझे बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट वैसी चीज़ें वो मेरे बारे में सोचे या कुछ, मतलब होता है ना कि आप किसी के बारे में वैसा नहीं सोच रहे हो, और फिर अगर उनके तरफ से ऐसे ऐसा रिस्पॉन्स आता है देन इट रियली हर्ट्स, और कभी कभार वो गुस्सा गुस्से के फॉर्म में निकलता है, एंड आई बिकम लाइक रियली शॉर्ट टेम्पर्ड फॉर दोज हु फॉर हुम आई केयर। दिस वॉज अ शॉर्ट इंटरेक्टिव वीडियो विथ माई मॉम, जो कि मैंने कभी नहीं किया था। लास्ट ईयर शी वॉज हियर विथ मी, इसी टाइम पे, तब उनका कुछ ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था, एंड शी वॉज हियर। उस वक्त मैं बहुत बहुत परेशान थी, लाइक लिटरली मैं बहुत परेशान थी। अभी शी इज़ फाइन, शी इज़ डूइंग फाइन, बट उनका एक मेजर ऑपरेशन कराना है मुझे, जो कि इस ईयर पेंडिंग था। मैंने सोचा था गर्मी की छुट्टी में, क्योंकि शी इज़ अ टीचर, तो तब मैंने सोचा था कि गर्मियों की जब छुट्टी होगी तब मैं उनका ऑपरेशन कराऊंगी, बट अभी अगेन लॉकडाउन और बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो पोस्टपोन हो गई हैं। तो लेट्स सी सिचुएशन कब तक नॉर्मल होती है, एंड देन
होपफुली चीजें अच्छी हो जाएं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको मेरे और मेरे मॉम की क्वेश्चन थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। शी लिव्स फार फ्रॉम मी बट आई ट्राई टू कीप लाइक इंटरेक्टिंग विथ हर एवरी नाउ एंड देन। हर रोज मैं वीडियो कॉल करती हूँ, नॉर्मल कॉल करती हूँ एंड आई ट्राई टू कीप हर हैप्पी एज मच एज पॉसिबल। बट या अपने बच्चे अगर उनके साथ नहीं रहते, किसी भी माँ के पास नहीं रहते तो सॉर्ट ऑफ शी बिकम सैड। बट या दैट्स हाउ लाइफ गोज ऑन। बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आई विश ईच एंड एवरी मॉम आउट देयर अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा हम सब बच्चों पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।